सबसे पहले बड़ी खबर बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर है। तीसरी लहर पर देश को परेशान करने वाली रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि थर्ड वेव में 20% से ज्यादा बच्चों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। बात कोरोना की करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है और देश में अगले 100 से 125 दिन काफी क्रिटिकल रहने वाले हैं। कोरोना की तीसरी लहर की ओर दुनिया बढ़ रही है। वीके पॉल ने कहा है देश के 73 जिलों में रोजाना 100 से ज्यादा केस आ रहे हैं। देश के 73 जिलों में कोरोना से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। बयान है वीके पॉल का और 100 से 125 दिन आने वाले बहुत ही क्रिटिकल रहने वाले हैं। इसको लेकर लोगों को सावधान और सतर्क किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और चलिए आपको बताते हैं कि कैसे तीसरी लहर को लेकर खतरा मंडरा रहा है। तो अगले 125 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं 125 दिन। तो कोरोना से जंग में अगले 100 से 125 दिन काफी नाजुक है, जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं। और ये दिन या आने वाले दिन बहुत क्रिटिकल है। 12 राज्यों में 47 जिलों में पॉजिटिविटी रेट जो है 10% से ज्यादा है और यही वजह है कि चिंता बड़ी है आने वाले दिनों को लेकर। 73 जिलों में रोजाना 100 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं, नए केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये एक चिंता का कारण है। हालात को कंट्रोल में रखा गया है, लेकिन स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, कभी भी ये सिचुएशन पलट सकती है और स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। दुनिया थर्ड वेव की ओर बढ़ रही है, ये WHO ने भी साफ किया था।